गुड मॉर्निंग। मुझे रात से थोड़ा थोड़ा सा पेन शुरू हुआ है। मैं सुबह 3-4 बजे से सोई नहीं हूँ। मुझे पता नहीं अब वापस से पाकई वाला मतलब सच वाला पेन है या क्या है। तो मैं सुबह से गौरव को उठाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कुछ चाय पीनी है, कुछ दर्द है, डॉक्टर क्या चले क्या कैसे। पर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या हो रहा है। गौरव उठो उठो, अब तो 9 बज गए। मुझे पेन हो रहा है, मैं सुबह से तुमसे बोले जा रही हूँ। हाँ तो फोन लगा लो ना डॉक्टर को, हॉस्पिटल चलना है कि डॉक्टर के चलना है। तुम उठोगे तब तो चल पाएंगे ना। क्यों उठ गया। क्या झगड़ा कर रहे हो सुबह सुबह? किससे? तुमसे। हाँ तो क्या नहीं मिल रहा तुम्हें? तुम किसी का सामान इधर उधर रख देती हो, मुझे आदत नहीं है तुम्हारी तरह चीज करने की, मैं फिर भी कर रहा हूँ। तुमको सुबह सुबह भगवान ईश्वर का नाम ले, एक तो तुम इतना लेट उठे हो। ये लेट उठना होता है? ये लो कहाँ क्या करना है इसका उपयोग? थैंक यू सो मच। मैं कर दूँ क्या उपयोग इसका? मैं अपने दांतों से कर चुका हूँ ऑलरेडी। ये देखिए क्या मेरी ड्यूटी जो तुमने लगाई है, दूध बनाने की, चाय बनाने की। करना भी चाहिए यार। जी 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 जी। क्योंकि आपने दीदी को बोला हुआ है कि दीदी आप आराम से आया करिए, अगर आपका मन हो तो आप ना भी आइए, है ना? ऐसा नहीं है, दीदी को बिचारी को अपना भी घर का काम करना पड़ता है। सुबह जल्दी करो, लेट हो रहा है डॉक्टर। गवर्नमेंट का दर्द अब ठीक हो गया भाई, तुमने तो ना मेरा देखो नींद मेरी खराब कर दी है ना। अब तुम्हारा दर्द ठीक हो गया। मैं बोल रहा था तो तुम कल लड़ रही थी मुझसे कि तुमको हुआ है क्या, मुझको हुआ है क्या। मुझे कल से मैं इतना बेकार दिख रहा हूँ मैं, मतलब मेरे और तुमने जिस तरह से शूट कर रही हो वो तो अच्छा है कि मुंबे वाले ने अच्छी शक्ल दी। अब फटाफट चाय बनाओ यार। चाय अपने स्पीड से बनेगी ना कि गैस पे मैं बैठ जाऊं? चाय अपनी स्पीड से बनेगी भाई, गैस चल रही है। तुम जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ, डॉक्टर के जाना है। हेलो जी, मैं रेडी हो गया हूँ। देखा सुबह उसने मुझे कैसा परेशान करके उठाया है, और ये तो आज वो है कि जिसका वीडियो उसने बनाया और आप लोगों को पता चला। बट वाकई में मतलब इतना परेशान कर दिया है, उफ मैं बता भी नहीं सकता। खैर पूछूं रेडी हुई है कि नहीं हुई है। चलते हैं। हो गई क्या रेडी? ओ अभी तक तुम रेडी नहीं हुई हो। सुनो, दर्द तुम्हारे उठाए मेरे उठाए? अब नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है? नहीं। फिर अरे मैं तुमसे जल्दी रेडी हो गई थी, वो बस मैं बाल सुखा रही हूँ। चलो ये तो देखने वाले भी बोलेंगे कि इनका हर बार का यही झगड़ा होता है रेडी फेडी का। खैर जल्दी रेडी हो तुम यार, चलो जल्दी। दर्द नहीं हो रहा ना पक्का? पता नहीं, हमेशा जो भी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के यहाँ जाने के जस्ट पहले वो ठीक सी होने लगती है। पति के 2-5 हजार रूपए 10 हजार रूपए खर्च करवा कर ये खुश हो जाती हैं। गौरव कल इसी बात पे झगड़ा हुआ है कि लास्ट टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तुमको पता नहीं क्या ये बात भी है इसको क्या बोलती बात हो गई ना अभी। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, बस चलो जो बोलेगी डॉक्टर बोलेगी तेरी। क्या ले रहे हो भैया? यात्री कृपया ध्यान दें, अपना अपना सामान लेके निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ। संतरे क्यों ले रहा है? तुमको भी विक्की की तरीके संतरे खा के झगड़ा करना है क्या? मैं झगड़ा नहीं करता हूं। और गौरव अगर हम बिग बॉस चले, लेकिन मैं ये तुमने बिग बॉस की बात निकाली है, ये देखो इधर दो संतरे ठीक है। तुमने बिग बॉस की बात निकाली है, मुझे बड़ा दुख हुआ। विक्की ने बहुत अच्छा गेम खेला और विक्की फाइनल मुझे भी जीतना ही चाहिए था। अगर गेम की बात करें तो ठीक है, पॉपुलैरिटी के हिसाब से जिसने जनता ने जिसको वोट दिया वो जीता, बट ठीक है। एनीवे बैक टू द टॉपिक, तो अब निकल चुके हैं डॉक्टर के। मैं भी तो दिखूं, रुको मैं कुछ करती हूँ। अभी ठीक से मैंने किया हुआ है ना, मेरे पूरे अंडर आई दिख रहे हैं। मैं रात भर नहीं सोई, एक्चुअली मैं 2 रातों से नहीं सोई हूँ, 2 रातों से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ये सिर्फ अपना गाना गाती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं कौन सा सोया हूँ। नहीं। आपने देखा अच्छा, नहीं इस तरह इसने जगाया है, इसी तरह पूरी रात परेशान करती है मुझे। नहीं नहीं, नहीं रात में मैं गौरव झूठ इतना भी झूठ मत बोलो, मैं रात में नहीं परेशान करती। अच्छा सोते सोते कोई पूछे गौरव सो रहे हो क्या?
तो इसका इंसान क्या कर, जग ही जाएगा ना भाई। मुझे फिर रात में मैं अकेले बहुत बोर हो जाती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया है। ओह खैर अभी जा रहे हैं डॉक्टर, क्या इसके बाद वो आ जाएगा या डॉक्टर क्या जा रहे हैं। मैंने गौरव को बोला था कि बेबी का बैग और बाकी चीजें रख लो, बट ये हमेशा अपनी जिद करता है, इसने कुछ नहीं रखने दिया है, अब जो मर्जी देखते हैं ना, वहाँ जाकर पता चलेगा कि वाकई में इस बात सच है या फिर इनको किसी तरह की गलत फहमी हो गई। ठीक है देखते हैं, अभी तो वैसे टाइम था बट कुछ बोल नहीं सकते यार, कुछ दिन बाकी हैं बस, लेकिन ठीक है चलिए। तो फिर डॉक्टर कैसे, एहतियात बरतना जरूरी है इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर आपको देते हैं रिपोर्ट। न्यूज़ दे देना बंद करो। तो क्या बताना चाहेंगे, डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर तो क्या ही बोलेगा, मेरी बात अगर सुन ली होती तो लाइफ में इतनी दिक्कतें इनको नहीं आती। अच्छा तो गौरव बहुत ज्यादा ही हो रहा है, डॉक्टर ने बोला नहीं कि नहीं, लेकिन जिस तरह से ये पैनिक होके इन्होंने जो हमारा कल हल्का फुल्का सा बहसबाजी जो हुई है, बहसबाजी तो उस वजह से अगर ये थोड़ा सा सब्र कर लेती कुछ, हालांकि देखिए लास्ट का टाइम चल रहा है, चीजें हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफें जो आ रही हैं, लेकिन एकदम से पैनिक नहीं होने का, जो मैंने समझा था डॉक्टर ने भी यही कहा कि ठीक है यू आर अबाउट टू। अरे दीदी देख नहीं रही, फोन पे हैं दीदी, भिड़ जाएंगी दीदी। दीदी कहाँ देखते हैं आजकल, फोन ने बर्बाद किया हुआ है ये। अच्छा ये मेरा चेहरा कटता है बट लेकिन ठीक है। तो खुशखबरी की बात ये है कि बहुत जल्द, हालांकि टाइम तो हो ही चुका है, तो डॉक्टर ने ये कहा है कि वेरी सून आपको, भाई तू काट दे पूरा, काट दे मुझे काट दे। डॉक्टर ने कहा वेरी सून आपको मैं दोबारा याद करूंगी, तो देखते हैं कब याद करेंगे, कभी भी हमें जाना पड़ सकता है। खैर अब मैं थोड़ा टेंशन में भी हूँ, बेबी के लिए शॉपिंग वॉपिंग का सामान भी लेना है मुझे, पहले आके ब्लॉग में शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही है, सोचो कब से कर रहे हैं हम, एक्साइटमेंट देख ही लिया है, और अभी है तो एक शूट भी करना हमको बेबी का। अरे हाँ वो शूट के हम BTS ट्राई करेंगे कि आपको दिखा, मैं तो शूट भी डाल दूंगा। हाँ ठीक है, क्या है इट्स अ नाइस प्रोजेक्ट, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा व्लॉग। चलिए खैर तो अल्लाह हाफिज, दुआ करिए कि सब बढ़िया हो। अरे अभी तो सब दुआ ही है, आज की दिन की बात किसी ने भी तो बताएंगे यार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके एंड एक्शन। तो अब बेबी के आने की हमारी तैयारी हुई पूरी, हनी हनी के साथ। वन मोर BTS के लिए तो नहीं रख रहे शर्ट जांग रहे थे। रेडी, इट्स रोलिंग। तो अब हमें पता चला कि हनी हनी न्यू पेरेंट्स की क्यों है नंबर वन पसंद। अरे मिकी माउस के मिनी सर था, फिर उसने डायलॉग बोल दिया तो चुप हो गई, सही नहीं आ रही ठीक ना, मतलब मुझे पता लग रहा था ना। इट्स रोलिंग, लुक जाओ। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमने शूट किया और राजश्री उसके बाद बहुत थक गई है और वो सो गई है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे आप सबको बाय कहना पड़ रहा है, और मैं भी सोने की तैयारी में हूँ, आप मेरे कपड़े देख के समझ सकते हैं, लेकिन इसी तरह आप बने रहें और हो सकता है कि अगला व्लॉग जो हो वो गुड न्यूज़ के साथ वाला हो। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और इसी तरह एंटरटेन होते रहिए। सी यू, बाय बाय।